हमने जो से प्रीवियस क्लास में देखा उसमें आप लोगों ने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमने देखा कि इसकी कहाँ कहाँ डोमेन्स हैं, कहाँ कहाँ काम होता है, इसकी हिस्ट्री और काफी डिटेल इन डेप्थ हम चीजों को देखा था। अगर उसके रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछें, वरना जो आज हमने स्टार्ट करना है वो बेसिकली है जो सर्चिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं हम एआई के अंदर, वो कौन कौन से हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंट काइंड्स के जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स सब जिसे हम बोलते हैं, मतलब एक डिफरेंट सर्च की स्ट्रेटजीज हमारे पास यहाँ अवेलेबल होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बेस्ट रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स के सर्चिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। और इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स का काम क्या होता है कि बेसिकली इनका ये गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं, इनका काम होता है कि स्पेसिफिक एक गोल है उसको हमें अचीव करना है। अब उसके हवाले से हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखेंगे। तो एल्गोरिथम को देखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसका आप लोगों को पता होना चाहिए जो अपने इस्तेमाल करते हैं। अब सर्चिंग एल्गोरिथम की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहले वर्ड सर्च का आपको पता होना चाहिए। अब सर्च है क्या? जो सर्च है बेसिकली जो सर्चिंग है स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर होता है सॉल्व करने के लिए किसी प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम के थ्रू हमने कुछ स्पेस को सर्च करने के लिए या कोई एक सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। अब ये सर्च के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सर्च को मैंने डिफाइन नहीं किया, नीचे उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो पहला फैक्टर ऑफ सर्च स्पेस का, सर्च स्पेस का मतलब ये है ये एक हमें सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बताता है कि जो इस सिस्टम के पास ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक हमारे पास इस सर्च के अंदर एक और बिग फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्ट स्टेज। इसका मतलब ये है कि आपका जो एजेंट है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, किस स्टेट से स्टार्ट करेगा। अगर आपने चीज फाटोमेटा पढ़ा हो तो उसको आप को आइडिया होगा कि डिफरेंट स्टेट्स आपकी होती हैं, आप एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं फिर आप मूव करते चले जाते हैं, इसी तरह से कि आपका जो एजेंट है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा उसमें स्टार्ट स्टेट। इसी तरह से आपका है अब गोल स्टेट। गोल स्टेट का मतलब ये है कि ये वो फंक्शन है जो कि ये ऑब्जर्व करना चाहता है कि बेसिकली आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपकी फाइनल स्टेट कौन सी है जिसको आप लोग अचीव करना चाहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट सर्च ट्रीज होते हैं। अब सर्च ट्री किसे कहते हैं? अगर हम एक सर्च प्रॉब्लम को ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं सर्च ट्री। अब किसी भी ट्री के अंदर हम आगे एग्जांपल में देखेंगे भी, हर ट्री के अंदर कोई ना कोई रूट नोड होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी कोरस्पॉन्डिंग कोई स्टेट्स होती हैं। किसी को हम चाइल्ड नोड कहते हैं, किसी को हम पेरेंट नोड कह रहे होते हैं, किसी को हम जी लीफ नोड कह रहे होते हैं। तो आपके ट्री के अंदर डिफरेंट काइंड किस तरह कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से एक्शंस, एक्शन का मतलब ये है कि आपको तमाम डिस्क्रिप्शन देगा जो कि आपका एजेंट जो जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है उस तमाम की आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। इस तरह से ट्रांजिशनल मॉडल, ट्रांजिशनल मॉडल का मतलब ये है कि आपका हर एक्शन क्या परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप लोगों को फिर वही एग्जांपल, अगर थी फाटोमेटा के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट ए है स्टेट बी है, सपोज आपके पास एक एलिमेंट आया है 01 के फॉर्म में आप मूव कर रहे थे, आपका 0 आया, 0 से क्या आप नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे 1 पे या 0 के साथ आप लूप में उसी स्टेट में रहेंगे। तो बता रहा होता है कि आपका हर ट्रांजिशन के अंदर एक्शन क्या परफॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो पाथ कॉस्ट जो है, इसका मतलब पाथ कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपको इसने एक न्यूमेरिक कॉस्ट असाइन किया है कि अगर आप एक पाथ से दूसरे पाथ तक जाते हैं तो कितना इस पाथ का कितने कॉस्ट क्या है। हम अगर कहीं देख रहे होंगे हम कहेंगे मिनिमम कॉस्ट हमें चाहिए, हम दो तीन पाथ जा रहे होंगे एक नोड से दूसरी नोड तक, लेकिन हम उनमें से मिनिमम नोड को सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो ये पाथ कॉस्ट भी जो है इसका इस्तेमाल होता है, इस टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। फिर सोल्यूशन क्या है, ये बेसिकली एक सीक्वेंस है
जो आपको बताता है कि स्टार्ट नोड से आपको गोल नोड तक आपने जाना है, वो आपको सोल्यूशन, सपोज आप एक अल्फाबेट ए पे खड़े थे एक नोड के ऊपर, और आप वहां से जाना चाह रहे थे जो आपकी लास्ट नोड है जो गोल नोड है, तो वहां तक आपको जाना चाह रहे थे, इस तरह से आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन वो होता है जो आपका बेस्ट वन सोल्यूशन होता है। एक चीज के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम एक मैक्सिमम और जो है उस सोल्यूशन की तरफ जाएं जो मिनिमम कॉस्ट के साथ हो, कम से कम कॉस्ट के साथ जो है वो सोल्यूशन जो आपको प्रोवाइड किया जाए। इसी तरह से एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स की, जो बेसिक और फेमस प्रॉपर्टीज हैं सर्च एल्गोरिथम्स की, वो फोर प्रॉपर्टीज हैं। एक फर्स्ट वन है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि अगर आपका एल्गोरिथम आपको ये गारंटी देता है कि जी वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन रिटर्न करेगा, एटलीस्ट एक सोल्यूशन आपको रिटर्न करे। ये ना हो जी आपने एल्गोरिथम बनाया, सच एल्गोरिथम आपका था, लेकिन वो आपको सोल्यूशन रिटर्न नहीं कर रहा, तो वो कंप्लीट नहीं। आपको उसको आपको जो है एक सोल्यूशन उसको रिटर्न करना चाहिए। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑप्टिमिलिटी, जिसे हम ऑप्टिमम कहते हैं। मतलब ये है कि अगर सोल्यूशन आपको पता चल जाए तो वो एल्गोरिथम आपको उस बात की गारंटी करे कि जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। अब बेस्ट सोल्यूशन हम उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है कि हम जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं यह हमारा बेस्ट सोल्यूशन वो होगा जिसके अंदर पाथ की कॉस्ट कम से कम हो। उसने तीन चार सोल्यूशन आ रहे थे तो एक के अंदर जो पाथ की कॉस्ट आ रही है वो 40 आ रही है, एक में 35 आ रही है, एक में 30 आ रही है, तो आपके लिए आप स्टार्ट से लेके गोल आपको वही है, वही चीज़ आप अचीव कर रहे हैं स्टार्ट नोड से एंड गोल तक, लेकिन तीन डिफरेंट सोल्यूशन आ रहे हैं, तीन डिफरेंट वे हैं, तो आप इस वे को अचीव लेंगे जिसमें कम से कम कॉस्ट। सपोज आपने एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करना है तो वहाँ आपका ये चीज़ें जो है ये बड़ी कॉस्ट का फैक्टर जो है उसको देखा जाता है। इसी तरह से आप लोगों का जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, सॉरी टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली आपको ये मैयर कर रहा होता है कि कितना टाइम आपको लगेगा किसी एक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के अंदर आपने उसको बड़े डिटेल में पढ़ा होगा कि जी एक कोई एल्गोरिथम है उसने एक टास्क कंप्लीट किया तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसे टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसी तरह से आप लोगों की स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये आप लोगों की मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस जितनी रिक्वायर्ड है उसे सर्च के दरमियान उसे आप लोग कहते हैं कि ये आपकी जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी इतनी रिक्वायर्ड है इस एल्गोरिथम के लिए। तो ये भी हमारी विश होती है जी कम मिनिमम टाइम के साथ और कम से कम जो है वो स्टोरेज मेमोरी के साथ आपका काम कंप्लीट करे। ये कुछ पॉइंट थे जो कि आप लोगों के सर्च एल्गोरिथम्स के हवाले से आप लोगों को पता होने चाहिए। अब जो सर्च एल्गोरिथम्स हैं उसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट वन टाइप है हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो चीज़ों के अंदर, एक हम कहते हैं अनइनफॉर्म या ब्लाइंड सर्च कहते हैं और दूसरे सर्च को हम कहते हैं इनफॉर्म्ड सर्च। जो अनइनफॉर्म्ड है या जिसे ब्लाइंड सर्च कहते हैं उसमें आगे डिफरेंट कैटेगरीज है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ लिमिटेड सर्च है, आइट्रेटिव है, बायोडायरेक्शनल है, ये डिफरेंट काइंड की सर्च है यहाँ अवेलेबल है। इसी तरह से जो आपकी दूसरी सर्च है उसमें आपके पास जो है जो इनफॉर्म के अंदर बेस्ट फर्स्ट सर्च है और ए स्टैटिक सर्च अवेलेबल है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जैसे बी एफ एस डी एफ एस टाइप, हो सकता है कि आपने डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये आपने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर उनको आपने स्टडी किया, ये हमने बेसिकली इसको क्लासीफाई किया है सर्च एल्गोरिथम्स को एक अनइनफॉर्म सर्च के अंदर और एक हमने इनफॉर्म सर्च के अंदर। जो हमारे पास अनइनफॉर्म सर्च है वो बेसिकली होती क्या है, जो अनइनफॉर्म सर्च है उसको डोमेन नॉलेज नहीं होता चीज़ों का, उसको नहीं पता कि आपका गोल किस जगह पे लोकेट करता है, गोल की लोकेशन क्या है, उसको कोई इतना एक्सपर्ट चीज़ों का आइडिया नहीं होता। उसको सिर्फ ये पता होता है जी कि आपका ट्री ट्रेवर्स कैसे करेगा, वो आपके लीफ को आइडेंटिफाई कर सकता है, जब गोल तक पहुंचेगा तो गोल को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, ये गोल हमने अचीव करना था, मतलब उसने किसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। सपोज आपके पास एक नंबर्स गिवन है,
आप सर्च करना चाह रहे हैं, कोई आपके पास एक सॉर्टेड फॉर्म अवेलेबल है, एक अरे के अंदर नंबर आपको गिवन है, आप सर्च क्यूरी लगाते हैं, अगर आप लीनियर सर्च लगा देते हैं तो उसमें ऐसे ही है कि उसने अगर आपको पहली जगह पर नंबर मिल जाता है तो आप कहेंगे कि बेस्ट केस है, मिड में मिल गया आप कहते हैं एवरेज है, सबसे एंट्री मिला तो आप कहते हैं कि फर्स्ट केस है। तो यहाँ जो लिखा हुआ ना ब्रूट फोर्स की तरह ऑपरेट करता है, इसका मतलब यह है कि उसने एक आपको सिक्वेंस से चले जाना है, उसको डोमेन नॉलेज नहीं है, इसमें आपके बेस्ट भी आ सकता है, वर्स्ट भी आ सकता है, एवरेज स्नैरियो भी बन सकता है। अब इसको बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया है फाइव मेन टाइप्स के अंदर, BFS है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, आइट्रेटिव है और बायडायरेक्शनल है सबसे। और हम साथ देख लेते हैं इनफॉर्म सर्च क्या होती है। अगर आप उसको देखें उसके सिनेरियो के अंदर अनइन्फॉर्म्ड के कंपैरिजन में, तो इन्फॉर्म सर्च को डोमेन नॉलेज होता है चीज़ों का, इसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं, ये आपका एक एफिशिएंट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और ये बेहतर होता है एज कंपेयर टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च के। इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो बेसिकली आपके पास ग्रेडी सर्च है और ए स्टैटिक अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम जिसको देखेंगे वो हम अनइन्फॉर्म्ड को स्टार्ट करेंगे। अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहला जो है वो BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ये आपकी, हम इसको ट्रवर्सिंग के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, ग्रास ग्राफ को ट्रवर्स करने के लिए हम मोस्टली इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये काम करती किस तरह से है, ये हमेशा जो BFS एल्गोरिथम है ये आपका स्टार्ट नोड से स्टार्ट करता है, जो आपका स्टार्टिंग नोड है उसने वहां से स्टार्ट करना होता है। स्टार्टिंग नोड मतलब ये रूट नोड से आपका स्टार्ट करना है और उसने तमाम सक्सेसर नोड्स को एक्सपेंड करते चले जाना, रूट से स्टार्ट करना, एरो से हम इसको समझते भी हैं कैसे काम करेगा ये। ये BFS जो है ये एक जनरल ग्राफ सर्च एल्गोरिथम है और इसको हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेसिकली क्यू, आपने दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, एक स्टैक का और एक क्यू का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टैक और क्यू दोनों के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कहाँ स्टैक हमारी हेल्प कर रहा होता है, कहाँ क्यू हमारी हेल्प कर रहा होता है। जो हमारे पास लेकिन BFS को इम्प्लीमेंट हम करते हैं FIFO के थ्रू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्यू का आपको आइडिया, क्यू में दो ऑपरेशंस आप मोस्टली परफॉर्म करते हैं, एक इन क्यू है एक डी क्यू है, उसकी तरफ हम जो फिलहाल जो है हम नहीं मूव करना चाह रहे। अच्छा, अब इसमें काम करता किस तरह से है इसको आप लोग देखें। आपने सपोज जो गोल अचीव करना चाह रहे थे, आप अचीव करना चाह रहे थे कि आपका मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लूं और ये हो जाता है। अच्छा, आपने के नोड को आपने अचीव करना था, वो आपका गोल था। अब इसको सर्च आप कैसे करेंगे, ये लेवल वाइज आपका सर्च करता है। देखें, आपने ऐसे स्टार्ट किया, उसने पहले रूट नोड से, उसने पहले आपका देखा कि आपके पास एक और नोड है ए, फिर उसके बाद उसी लेवल को उसने पूरा कंप्लीट सर्च किया है, बी उसके लेवल पे था उसने सर्च किया है, फिर बी के ये एक लेवल कंप्लीट हो गया, फिर लेवल वो टू पे आ गया, सी को सर्च किया, डी को किया, उस लेवल टू पर जितने सबको सर्च किया, फिर उसके पास उसने नेक्स्ट लेवल पे आ गए। नेक्स्ट लेवल में क्या है, हमारे पास ई है, ई को सर्च किया, एफ को किया, आई को किया और के को किया। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपका इस तरह से सर्चिंग कंप्लीट करता है, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपने हर लेवल के ऊपर जब इसको एक्सपेंड करना है, सर्च करना है, तो आप उसको सेव करते हैं, हर उसकी स्टेट को आप सेव करते चले जाते हैं। जब आप हर लेवल पर जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, उसको थोड़ी सेव करेंगे, तो आपको उसकी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, फिर इसके लिए आपको उतना टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल कहीं एंड पे पड़ा हुआ, जैसे इस नैरो आप के को सर्च करना चाहते थे और के सबसे एंड पे लीफ नोड थी वहाँ अवेलेबल था, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि ये रूट नोड से बहुत दूर है। अगर हो सकता है कि आप बी को फाइंड आउट करना चाह रहे थे और इस सिनेरियो के अंदर जो बी है वो आपके रूट नोड के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे अवेलेबल है,
इस तरह का सिनेरियो तो फिर आपको मिनिमम टाइम में ये मिल सकता है। तो ये डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो के टाइम कितना इस पे रिक्वायर्ड है। अगर तो आपको रूट नोड के नियरेस्ट में कहीं मिल जाता है तो फिर आपकी मेमोरी भी कम से कम लगती है और फिर आपका जो टाइम है वो भी कम लगता है। तो डिपेंड्स कि ये रूट नोड से कितना दूर है जिस सोल्यूशन को आप लोग अचीव करना चाह रहे हैं। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि आप ट्रवर्स पाथ बताएं, उसका पाथ कौन सा, आप पाथ बता सकते। ट्रवर्स कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आप किसी भी नोड को जब वंस विजिट कर लेते हैं उसे कहते हैं ट्रवर्स। अब इसमें ट्रवर्स क्या है, पाथ क्या है, एस है, उसके बाद ए है, बी है, सी है, डी है, जी एच ई एफ आई एंड के, ये इसका ट्रवर्स का एक पाथ अवेलेबल है। ठीक है, अब इसकी भी अपने टाइम कम्प्लेक्सिटीज हैं और इसकी अपनी स्पेस कम्प्लेक्सिटीज हैं। वही चार फैक्टर्स हम इसके अगर आप मैयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो आपने कहे थे कि सर्चिंग एल्गोरिथम में चार फैक्टर्स होते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कंप्लीटनेस और ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा कि नहीं दे रहा। तो ये आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। इसी तरह से जो हमारे पास है नेक्स्ट वन है वह डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च एक रिकर्सिव एल्गोरिथम्स है। हम ग्राफ को ट्रवर्स करने के लिए, ट्री को ट्रवर्स करने के लिए, इसको हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते क्यों है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट नोड से स्टार्ट करता है और फॉलो करता है ईच पाथ को, उसकी एंड तक डेप्थ तक जाता है। अब देखें फॉर एग्जांपल इसने एस से स्टार्ट किया था, अब दो इसके पास ऑप्शंस थी, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पे मूव कर गया, वहां से उसने ए, फिर उसके आगे उससे आगे बी, उससे आगे डी, उसने जिस ए को पकड़ना है उसको उसने उसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ नोड तक जाना है, मूव करते जाना है एट द एंड जहां तक उसको आपको मिलना जाए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ करते हैं, मतलब इसको हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। डीएफएस के लिए हम बेसिकली स्टैक को यूज करते हैं, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं डीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बीएफएस के लिए हम क्यू को यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और डीएफएस के लिए हम यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर को, बेसिकली स्टैक है। अब स्टैक के अंदर जो कंसेप्ट यूज करते हैं आप लोगों को आइडिया है उसका। स्टैक के बारे में हम कहते हैं, आप समझ लें कि हमने कहा कि आपके पास शेल्फ पे कहीं नंबर ऑफ बुक्स पड़ी हुई है। ठीक है, आपने एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसी इसी तरह से आपने एक रो उसके ऊपर बना दी है, एक पूरी बनी हुई है। अब आप करेंगे क्या कि जिस बुक को आपने सबसे लास्ट पे रखा था पहले उस बुक को आप उठाएंगे। ठीक है, लास्ट जो इन हुआ है उसको आप लोग फर्स्ट आउट कर रहे हैं। इसमें आपको लाइफो मेथड यूज है। सपोज आपने जी एक कॉइन्स का एक रो आपने बना लिया है, आपने 10 15 20 कॉइन जो है एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखा हुआ था, ये भी आपकी स्टैक की एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह अगर सपोज आपने कोई अपने किचन के अंदर कोई प्लेट्स रखी हुई है तो प्लेट एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तो वो आप अब यहाँ ये आपको समझाने के लिए है कि रियल टाइम एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ हो सकता है कि आप मिडल से प्लेट निकाल लें, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो स्टैक के सिनेरियो के अंदर आपको एलिमेंट को दो इसमें कंसेप्ट यूज होते हैं, एक पुश का एक पॉप का। पुश का मतलब होता है कि आप एलिमेंट को इंसर्ट करते चले जा रहे हैं, पॉप मतलब ये एक एलिमेंट को आप रिमूव करेंगे। अब इसमें जहां से आप पुश करते हैं वहां से आप रिमूव करते हैं, कोई डिफरेंट पाथ नहीं है कि पुश एक वे से कर रहे हैं और पॉप वॉक एक दूसरे वे से करेंगे। जैसे क्यू के अंदर था कि एक इन क्यू है, एक डी क्यू है, आप इंसर्ट एक एक जरिए से करते हैं और आप डी क्यू जो आप जो है वो दूसरे बेस से आप रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रैक में ऐसा नहीं होता, तो इसके लिए आपने जो पहले एंटर किया, सपोज आपके पास फोर नंबर्स थे ए बी सी एंड डी, आप सबसे पहले डी इंसर्ट किया सबसे बॉटम पे चला गया, उसके ऊपर सी आ गया, उसके ऊपर बी आ गया, उसके ऊपर ए आ गया। अब आप डी को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपको पहले ए रिमूव करना पड़ेगा, फिर बी, फिर सी और फिर 12, एट द एंड आप डी को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम है यहाँ बीएफएस डीएफएस के लिए बेसिकली हम स्ट्रैक के एल्गोरिथम को यूज करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो इसके डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें अंदर जी आपको लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि आप स्ट्रैक के अंदर जो है जस्ट नोट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, और लेस टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फिर भी आपको डिपेंड करता है आपके उस गोल नोड के ऊपर कि अगर आप कहाँ मिल गए। सपोज हम जी सर्च यहाँ कर रहे थे, सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम रूट नोड पे आते हैं, वहां से लेफ्ट नोड पे आ गए, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप जो है वो देखते चले जाते हैं जी आपने ए पे थे, फिर बी पे थे, फिर
फिर आप डीपी आए, या आपके वो पहली डेप्थ आपकी कंप्लीट हो गई, अब फर्दर डेप्थ नहीं है, अब आप साथ मूव कहाँ कर रहे हैं, राइट नोड के ऊपर, और फिर उसके ऊपर आप जो है उसका जो रूट बन रहा है उस तरह से, मतलब रूट लेफ्ट और राइट पे आप मूव कर रहे होंगे, अनलेस कि आपको या तो वो गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, जिस एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे, अब अगेन फिर आप लोग जो है वो आ जाएंगे यहाँ इश्क पे, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको भी वही फोर एलिमेंट्स के थ्रू आप देखना चाहें कि जो आपका बेसिकली टाइम स्पेस और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन सर्च एल्गोरिदम है, वो हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम। जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम है ये बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेटेड ट्रीज या ग्राफ के लिए, मतलब कि जहां आपके पास कोई वेट असाइन आपने किया हो, प्रीवियस वन शायद आपने देखा हो वहां कहीं वेट असाइन नहीं थे, तो ये वहां सिर्फ काम करता है जहां आपने को वेट असाइन किया होगा ट्री को या ग्राफ को। तो ये आपका हमने फिर इसकी सिलेक्शन करनी होती है अकॉर्डिंग टू इसके जो इसका प्राइमरी गोल बेसिकली होता है, वो हमने वो नोड सेलेक्ट करनी होती है, वो पाथ सेलेक्ट करना होता है जिसमें जो हम गोल तक जाने के लिए जो क्यूम्युलेटिव हमारी कॉस्ट है, जो कंबाइन एट द एंड कॉस्ट है, वो कम से कम निकले। तो हमने बेसिकली अपने रूट से आपके गोल तक जाने के लिए वो कम से कम वो पाथ को हमने सेलेक्ट करना होता है। तो ये प्रायोरिटी देता है उस पाथ को, उस नोड को जिसमें आपकी कम से कम जो है वो कॉस्ट लग रही होती है। तो ये हम तमाम एजेस का देखते चले जाते हैं, जैसे सपोज उसने एस से ए तक जाना है, तो उसमें दो चीजें आप देखें, हम जी तक जाना चाह रहे थे तो हमारे पास जो है एक तो ऑप्शन थी कि हम अगर बी के थ्रू जाते तो वन सी, और ए पे जाने के लिए हमारे पास बी के लिए फोर थी, उसके लिए वन थी, तो हमने वन को मूव किया। आगे देखें जो एजेस की कॉस्ट है, ए से सी तक थ्री और ए से डी तक टू है, तो हमने सिलेक्ट किया जो मिनिमम कॉस्ट वाला है वो ए से डी है, हमने टू को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपके पास जो है अगर हम डी से जी तक जाते हैं, जी हमारा वो हम तक जाना चाह रहे थे, उसकी जो कॉस्ट है वो थ्री है। तो हमने बेसिकली इसमें देखना होता है कि जो आपका मिनिमम कॉस्ट के साथ इसको सोल्यूशन को अचीव करना चाह रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि जी आपको जो हर जो स्टेट है उसके अगेंस्ट मल्टीपल जो है वो लीस्ट कॉस्ट वाले अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप उस सब में से जो लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ है उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। एक इसका डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसने नंबर ऑफ स्टेप्स को नहीं देखना होता कि जी इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, इसने बस देखना है इसका जो कंसर्न चीज है उसने पाथ की कॉस्ट को देखना है। हो सकता है यहाँ वन 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 करते जी बहुत एंड पे जाता, इसने सिर्फ अपने वो देखना था कि कॉस्ट कम से कम अक्कर होनी चाहिए, इसको उससे कंसर्न नहीं था जो है कि जी हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लग रहे हैं। उस इशू ये होता है कि सम टाइम आपका ये इनफाइनाइट लूप में स्टक होने के चांसेस होते हैं कि ये कहीं इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का कि ये आपको जो है नंबर ऑफ स्टेप्स को नहीं देखता, जैसे ये कॉस्ट को देखता है, कम से कम कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लें। अच्छा, और इसके साथ ही जो नेक्स्ट वन है वो बेसिकली हमारे पास आइट्रेटिव डेपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च डीप, मेरा क्या स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, आइट्रेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें किस तरह से काम करता है, ये बेसिकली कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है आपके बीएफएस का और डीएफएस का, और ये इसने फाइंड आउट करना होता है आपको, इसने डेप्थ को भी देखना है, इसने आपकी वो जो दोनों चीजों को देख रहा होता है, क्योंकि कम्बिनेशन है डेप्थ फर्स्ट सर्च का और ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, तो इसने दोनों को चेक करना होता है, डेप्थ को भी देखना होता है लेकिन लिमिट के तक डेप्थ को देखता है, फिर इसने जी वो लिमिट को ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाता है और देखता है कि जहां तक आपको जो है एक गोल जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसमें जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी वो किस तरह से, आइट्रेशन बेस्ड होता है, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो लेवल जीरो का आइट्रेशन करेगा सिर्फ इसने ए को सर्च किया, जो इसकी सेकंड आइट्रेशन चलेगी वो बेसिकली सर्च कर रहा होगा सेकंड आइट्रेशन के अंदर ए बी एंड सी, जो इसकी थर्ड आइट्रेशन होगी वो होगा ए बी डी ई, इसके बाद फिर आपका वो जाएगा सी के ऊपर, फिर जाएगा एफ के ऊपर, और फिर जाएगा वो जी के ऊपर, और जो आपकी लास्ट वन उसकी आइट्रेशन पे किस तरह से बनेगी, जो आपकी फोर्थ वन है ए बी, उसके बाद किस पे आ जाएगा डी पे आएगा, फिर किस पे आएगा एच पे आएगा, क्योंकि ये बेसिकली काम कर रहा है ये कम्बिनेशन है,
डीएफएस का और डीएफएस का, इसे डेप्थ वाइज भी चलना है और इसने आपकी जो है लेवल को भी कवर करना होता है, तो कॉम्बिनेशन से चलता होता है ये। और हर लेवल के बाद जो है वो इसका मतलब पहले लेवल पे सात उसने सात उसको देख लिया, लेकिन नेक्स्ट के साथ जब डेप्थ को बढ़ाता जाता है तो लास्ट वन किस तरह सर्च करेगा ये, ए को इसने सर्च किया, बी को किया, डी को किया, एच को किया, आई को किया, इसके बाद फिर आपको ई पे लेकर जाएगा, फिर आपको सी पे लेकर जाएगा, और इस तरह से फिर आपको एफ पे, के पे, और फिर आपको जी पे लाके ये सर्च करेगा। तो आइटरेटिव जो डेप्थ है ये आपको बेसिकली से इस तरह से ये काम कर रहा होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये कहते हैं कि मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसने दोनों के बेनिफिट्स को यूज करना होता है, जो बीएफएस के बेनिफिट है वो भी ले लेता है, जो डीएफएस के बेनिफिट है उसको भी ले लेता है, तो दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन करके ये काम करता है, तो इसलिए जो है बेहतर है। इसका ड्रॉबैक जो है वो आपने खुद भी गौर किया होगा, इसका ड्रॉबैक ये है कि प्रीवियस फेजेस को भी रिपीट करता चला जाता है। जैसे मैंने बोला था कि पहली आइटरेशन क्या होगी ए, दूसरी क्या होगी ए बी सी, थर्ड आइटरेशन में फिर कहेगा ए बी डी, फिर कहेगा ई, फिर कहेगा सी एफ और जी, फिर फोर्थ आइटरेशन में प्रीवियस वन को फिर रिपीट करेगा ए बी डी एच आई ई सी एफ के एंड जी, तो ये इसका जो है वो एक ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट वन मैं स्लाइड में ऐड करना भूल गया हूँ। नेक्स्ट वन जो बेसिकली है वो बाय डायरेक्शनल आपका सर्च एल्गोरिथम है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वो बाय डायरेक्शनल के अंदर बेसिकली काम किस तरह से कर रहा होता है कि दो डायरेक्शंस में, ये जैसे नाम से पता है, दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा होता है, और ये साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में इस सर्च करता है। एक को हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड सर्च, और दूसरा हमारा होता है गोल एंड, जहाँ हम कहते हैं गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, उसे कहते हैं बैकवर्ड सर्च। तो ये दोनों वैसे सर्च करता है, ये फॉरवर्ड सर्च भी करता है, बैकवर्ड सर्च भी करता है, और जहाँ हम, क्योंकि हमने एक ग्राफ को, सपोज ये समझ लेना आप लोग, अगर इसको मैं समझू ए है, इसका मैंने ये एक डायरेक्शन बना दिया, ठीक है, एक आपके पास यहाँ से मैं एक ये है ए बी डी एच आई ई और एक सी वाली है, अगर सपोज आपका जो गोल नोड है, अगर सपोज आपका के है, तो यहाँ सर्च करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी मूवमेंट जो है दोनों डायरेक्शन में होती है, कि आपकी फ्रंट एंड पे भी होती है और आपकी जो है वो बैक एंड से भी सर्च को स्टार्ट करता ही है, इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड सर्च दोनों से ये काम कर